हेलो, हम आज कुछ सामान अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहा हूँ। हम यहाँ से रिवर रॉक फिशिंग टेकल से हम फिशिंग आइटम मंगाया था, वो आज आके पहुँचा है। आज 21/8/2023 तो हो भी मैं ये भी अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहा हूँ। हम कुछ लाइन हुक्स इसी तरीका से कुछ मांगा था, उस चीज़ को हम अभी अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं। पेसिंग ने हमको अच्छे तरीके से पैकिंग करके दिया है। देखो डबल डबल पैकिंग कर रहा है वो लोग। देखते हैं क्या सामान आता है। तो कभी भी हम रिवर रॉक फिशिंग से नहीं मंगाया था, बट यहाँ मेघालय में क्या है, मोनो लाइन से फिशिंग बहुत होता है। इस कारण से हम रिवर रॉक में कुछ मोनोलाइन देखा है, तो वहाँ से हम इसलिए रिवर रॉक फिशिंग टेकल से इसको ऑर्डर किया था, वो आज आके पहुँच गया। तो इसी को ही हम अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, सबसे पहले हम देख लिया क्या है, सी रॉक का स्ट्राइक लाइट 300 मीटर सौ प्रेमियन लाइन हाई नोट। ये हम ये चीज को मंगाया था, अब यहाँ आके पहुंच गया। तो इसका जो कलर है थोड़ा सा, इसको क्या बोलेंगे, थोड़ा येलो टाइप का कलर है। ये कलर इसी तरीके से हम इसको मंगाया था। तो हमारा पार्टनर लोग भी, हमारा दोस्त लोग भी बताया कि सीरो का थोड़ा मोनोलाइन थोड़ा अच्छा है बोल के, तो इसलिए हम इसको मंगाया है। ये 40 mm है, लेकिन इसका 40 mm इसका कुछ लाइन कैपेसिटी नहीं दिया। इसका कैपेसिटी कितना है लेकिन वो नहीं दिया, हमको पता नहीं है क्या है इसका कितना किजी का कैपेसिटी। सीरो का, ये सीरो का है, ये आपका ये फर्स्ट वन। सेकेंड में आपका स्ट्रॉन्ग, ये है साइनीस लाइन है, ये भी स्ट्रॉन्ग। इसका 14 mm का मैं मंगाया था। इसका आपका कैपेसिटी हो गया 16.9 kg, ये 16.9 kg है इसका। तो वो जो रिवर रॉक फिशिंग ने सही तरीके से भेजाया है, थैंक यू रिवर रॉक फिशिंग। और इसका पार्ट आया है बिग गेम 40 mm, ये बिग गेम का है, ये भी साइनीज प्रोडक्ट है, ये बिग गेम है बोल के। ये टोटल कितना, 700 मीटर, ये 700 मीटर है। तो इसका 40 mm है और कैपेसिटी हो गया 14.7 kg। इसका कैपेसिटी हो गया 14.7 kg। इसका बाद आ गया एक लाइन और, ये है आपको
ये हो गया आपको, इसका नाम हो गया फोक्स क्लब गर्ल। ये लाइन मेरा पास पहले से भी था, अभी भी मैं मंगा रहा, अभी भी मैं उसको मंगाया। तो ये आपको पहले वाला क्या फोक्स गोल्ड टू फोक्स गोल्ड ही है, लेकिन एमएम में थोड़ा डिफरेंस है। एमएम में हम पहले लिया था 35 एमएम, और 35 एमएम वो भी 40 एमएम में मंगा रहा हूँ। तो ये 35 एमएम में 16 किलो का वो लोग कैपेसिटी दिया था, लेकिन हमारा दिल में 16 किलो नहीं लगता है। लेकिन मोनोलाइन तो बहुत सॉफ्ट एंड नॉरम है, बहुत अच्छा है, लेकिन ताबूत हम थोड़ा कमजोरी जैसा लगता है। 16 किलो का नहीं जैसा लगता है, 12 केजी का जैसा लगता है। लेकिन ये 40 एमएम है। दूसरा जगह में इसको वन पैकेट में 150 लेता है, लेकिन रिवर रॉक फिशिंग स्टोर ने हमको ये 100 रुपीस में एक पैकेट दिया है। ये था आपको 8 नंबर, ये थोड़ा सा बड़ा है, और मैंने मंगाया 2 और ये 10 नंबर, और एक है ये 12 नंबर है, ये 12 नंबर है। तो ये 12 नंबर थोड़ा सा, 10 नंबर और 12 नंबर ये 8 नंबर से भी छोटा है, और 12 नंबर थोड़ा सा बड़ा है, और जो है ये 10 नंबर 12 नंबर थोड़ा छोटा है, और 10 नंबर इससे और छोटा है। तो इसी तरीके से है, हम फिशिंग हुक बहुत यूज करके देखा, साइनिस ज़्यादा से ज़्यादा साइनिस हम यूज किया। एक है ओनर, ओनर का हम यूज करता है, ओनर का बूट है या मेरा 3x0, 1x0, 1x2x3, ऐसा तरीका से ओनर का बहुत है। और एक है मास्टर का भी मेरा पास है, मास्टर का बड़ा भी है और छोटा भी है। एक है 13 नंबर, ये थोड़ा छोटा है, लेकिन मेघालय में जो कि 1-2-3 केजी ऐसा कंपटीशन में मछली होता है, तो उस कारण से हम ये 13 नंबर मास्टर हुक है, ये मास्टर हुक ये 13 नंबर है, इसको मैं अच्छा लगा हूँ। ये ओनर का भी है मेरा पास, वो भी सीनू का भी हो गया, अभी बीके के का भी हमारा पास है, नहीं 1 और 2 नंबर का बीके के हो गए, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है। ये बीके के का पुका हुक है, ये बीके के का है। तो इसी तरीके से हम फिशिंग हुक्स को भी यूज करते हैं, ताकि फिशिंग करने में हमको दिक्कत ना हो और कभी भी धोखा ना मिले। तो लाइन को भी इसी तरीके से हम यूज करता है, बहुत लाइन हम यूज किया पहले, क्योंकि लाइन से हमको बहुत धोखा दिया मछली। कोई लाइन छोटा है 28 एमएम बा 26 एमएम, इसी तरीके से हम यूज किया। 23 एमएम भी हम यूज किया था, लेकिन हम मछली हमको ये लाइन को टूटाई के बिल्कुल सला गया। इस कारण से हम वो भी क्या करता है, लाइन सही तरीके से हम यूज करके टेस्टिंग करके हम लाइन को लगाता है। तो मेरा पास और भी लाइन है, जैसा कि पहले से है आपका, ये ब्रेड लाइन है, मेगा पी ब्रेड लाइन है। ये ब्रेड लाइन हमारे पास
26 mm और 36 mm है। ये 36 mm का आपका कैपेसिटी, इसका मेगा पी का कैपेसिटी है 49 kg, और जो कि 26 mm का भी है, इसका तो थोड़ा सा जो कुंटी है इसका छोटा होता है 26 mm, इस कारण से हम जैसा कहाँ पर 26 mm यूज़ करना है, कहाँ पर 36 mm यूज़ करना है, इसको अच्छी तरीके से मालूम करता है। जहाँ पर बड़ी बड़ी मछली मिल जाता है वहाँ पर हम 36 यूज़ करता है, और जहाँ पर थोड़ा छोटा मछली है उसमें 26 को यूज़ किया, ब्रेड लाइन को यूज़ किया जाता है। इसी तरीका से मोनो लाइन भी मेरा पास बहुत है, जैसा कि सीशन फिशिंग, ये सीशन फिशिंग है, ये आपका साइनीस प्रोटाग है, ये भी मेरा पास है, और ये एक है, इसका अंदर से नाम है लेकिन खुलने नहीं सक रहा है। हाँ, खुल गया। इसका नाम है मैजिक ना, ऐसा कुछ नाम है, मैथिली नाम है, ये भी मैथिली है, मेड इन इसका लिखा नहीं है, लेकिन मैथिली लिखा है, लेकिन इसका 30 mm है, लेकिन इसका कैपेसिटी 17.2 kg लिखा है, लेकिन हम यूज करके देखा है, लेकिन ये लाइन सही नहीं है, क्योंकि ये लाइन टगरा नहीं है, एक बार ये लाइन भी हमको डोका दिया है, टूट गया ये लाइन भी। तो इसी तरीके से हमको ये मैथिली जो है साइनीस प्रोडक्ट है, ये भी हमको बहुत ठोका दिया, इस कारण से इसको भी हम वो भी रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद ब्रेड लाइन में है लुकाना का एम एम बी, लुकाना का ये प्रोडक्ट है एम एम बी बोल के, ये